राम राम हरियाणा तक चैनल का यूट्यूब परिवार 1 मिलियन सदस्यों का हो गया है। आप तमाम दर्शकों का इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, राम राम। इस वक्त आप तमाम दर्शक हरियाणा तक के इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ौदा मेव की जो पंचायत आज हो रही है वो आप देख रहे हैं इस वक्त। आप देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर इस पंचायत में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। आप यहाँ देखिए पीछे से, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भीड़ जो है किस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेवाती यहाँ पर है, राजस्थान के किसान यहाँ पर हैं और इसके साथ ही हरियाणा के गांव देहात के जो चाहे किसान संगठनों से जुड़े व्यक्ति रहे हों या किसान संगठनों से जुड़े ना हुए भी, जिन लोगों ने मेवात हिंसा को लेकर अपनी अपनी राय रखी, चाहे वो खापों से जुड़े हों, वो भी हमें यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो सीधे मंच की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर राकेश टिकैत, गुरनाम सिडुनी, सत्यपाल मलिक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक तात्कालिक समस्या जो इस देश में बहुत सालों से जो मांग है, जातिगत जनगणना, उसको लेकर पूरे देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं हमारे साथी बहुत संघर्षवान है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भाई अनुज सिंह विद्रोही को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपने विचार रखे। वक्ताओं से निवेदन है समय का ध्यान रखे। और सभी को जवाब सम्मानित देश में सामाजिक न्याय, ये जो मंच है आप देख रहे हैं वहाँ से, और लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है। आप ये हम कहें किसानों की संख्या जो कि हरियाणा से है, चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो यहाँ मेवात से है, वो भी हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में नजर आ रही है। क्योंकि इस पंचायत में किसानों के मुद्दे जो है वो तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नू हिंसा के बाद जो माहौल बना है उस माहौल को लेकर भी यहाँ पर अपनी राय रखी जा रही है। देखिए वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे खड़े हो जाए, आपके बच्चे अपनी पेशी में जाए, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे सत्ता में पहुंचे, आपके पास संसाधन हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी हुक्मरान बने हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश में संसाधनों का बंटवारा हो और इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता है और वो आप लोग जाति के मना से आएंगे। देश में वोट हमारा राज तुम्हारा बहुत कम चल गया है, अब वोट हमारा राज नहीं चलेगा, अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। इसके लिए हम किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को संकित होना पड़ेगा, भेदभाव को खड़ा करके चर्चा करना पड़ेगा। इस फांसीवादी सरकार को हटाने की आवश्यकता, उन सभी को किराने करने की आवश्यकता है जो किसानों के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, जो पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जो हमारे भाईचारे के खिलाफ है। तो ये जो है आप इस पंचायत में देख रहे हैं कई जो है जगहों से यहाँ पर आए हैं। एक जो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि नू हिंसा के बाद जो माहौल बनता है, उस माहौल को सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, भाईचारा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। खेती किसानी के जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। ये देखिए इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रही है। देखिए उस धरती से भी आपके बीच साथी हमारे बीच से पधार रहे हैं, लखीमपुर खीरी से आपके इस महापंचायत में पधार रहे हैं साथी। गुरमीत सिंह जी मांगट को मैं